चाहे वो जेओए आईटी का मसला है, मैं पिछले कुछ दिन पहले भी हमने उनको आमंत्रित किया, मैंने व्यक्तिगत रूप से किया, हमारे वो निवास पर आए, मैंने उनसे बात करी, मुख्यमंत्री जी भी लगातार उनसे मिल रहे हैं और उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उसमें कुछ पेचीदा मसले थे कानून से संबंधित, हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, तो उसमें क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चल रहा था उस समय पुलिस के घेरे में था, इसलिए उसमें से कैसे उसको बाहर निकाला जा सकता है इसके ऊपर सरकार प्रयास कर रही है। अगली जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें इस विषय को लाया जाएगा। हम पूरी मजबूती से वचनबद्धता से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जेओए आईटी का मसला है, मैं पिछले कुछ दिन पहले भी हमने उनको आमंत्रित किया, मैंने व्यक्तिगत रूप से किया, हमारे वो निवास पर आए, मैंने उनसे बात करी, मुख्यमंत्री जी भी लगातार उनसे मिल रहे हैं और उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उसमें कुछ पेचीदा मसले थे कानून से संबंधित, हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, तो उसमें क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चल रहा था उस समय पुलिस के घेरे में था, इसलिए उसमें से कैसे उसको बाहर निकाला जा सकता है इसके ऊपर सरकार प्रयास कर रही है। अगली जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें इस विषय को लाया जाएगा और मैंने वहाँ पर भी इन अभ्यर्थियों को कहा है कि हम कैबिनेट में पूरा समर्थन उनका करेंगे, उसको जल्द से जल्द किया जाएगा। चयन आयोग बनाया गया है, मुख्यमंत्री जी ने हमीरपुर में इसकी घोषणा करी है बनाने की, उसका कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है, उससे भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू होगा। और आज भी मैंने काफ़ी अपने अभिभाषण में जो बातें कही, चाहे TGT है आपके जो आपके और ये पैरामेडिकल है, आपके पुलिस कांस्टेबल्स है, आपके जल रक्षक है, पैराफिटर्स है, इन सब की भर्तियां भी हो रही है, तो बड़ा आंकड़ा है, करीबन 10 से 15 हज़ार नौकरियां हमने सरकारी क्षेत्र में दी है और उसका कार्य चल रहा है। तो थोड़ा बहुत हिकअप्स रहते हैं, हिचकोले भी आते हैं, मगर हमारी इच्छा शक्ति बिल्कुल साफ़ है, हम प्रदेश के युवाओं के साथ खड़े हैं और युवाओं को हक दिलवाना, युवाओं की आवाज़ मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी हम लगातार बात करते रहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे परिवार के मुखिया है, कभी कभी मुद्दों पे लड़ाई भी लड़नी पड़ जाती है, तो मुद्दों पे हम